दोस्तों आप लोगों से एक चीज और बताएंगे, हमारा जब महादेव भाई हमारे साथ में रहता है ना, रियल बता रहे, बहुत खुश रहते हैं, मस्ती करता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, कसम से। इनके बुखार का कारण तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोगों से एक चीज बताना चाहते हैं, इसका तबीयत इतना ज्यादा खराब था सुबह में कि बिल्कुल बोल नहीं रही थी, लेकिन कसम से मेरा जान जा रहा था। जब बोले चार पांच बार बोले प्रिया प्रिया, जब नहीं बोली है, कसम से इतना ज्यादा आंख में आंसू आ गया, रोने का इतना मन कर रहा था, सुबह बहुत रोए हैं। और दोस्तों आप लोगों से एक चीज और बताना चाहते हैं, ये दवा नहीं खाती है, बताइए दोस्तों। एक मिनट भाभी सुनो, भाभी भी कुछ टाइम पहले बोली है कि मतलब हम मंचूरियन खाएं, तो मतलब ये तबीयत ठीक होना मंचूरियन का असर है या फिर दवा का? दोस्तों इसके लिए 70 रुपए का जो है मंचूरियन और 2 बर्गर, इनके सुनो, इनके बुखार का कारण तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है, ठीक है? और मंचूरियन खिलाओ दोस्तों, जो बोलती है ला देता हूँ, ठीक है लाओ फिर पता लगेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके इसको मना करिए कि ये मंचूरियन ना खिलाया करे, तबीयत खराब है, क्योंकि दवा की जरूरत। कमेंट करके बोलिए जितने पति है अपने वाइफ को जरूर मंचूरियन खिलाओ। अकेले हम ही बर्बाद काहे हो, सभी लोग को कर दो, सभी लोगों को बर्बाद करो, यही तो जितनी जितनी भाभी दीदी बहन है सभी लोग अपने पति से बोलिए मुझे मंचूरियन खाए, तभी बुखार ठीक होगा। बुखार दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि आज से नई डॉक्टर साहिबा हमारी प्रिया भाभी है, और जिनको भी बुखार हो दवा का इलाज इनसे करवाइए, दवा इनसे पूछिए कि बुखार में क्या खाना, खांसी आने पे क्या खाना है, सही है? और भाभी हमको एक चीज की दिक्कत है, बताओ हमको, हम क्या खाएं, पता है हमको भूख नहीं लगती है। आपको भूख नहीं लगती है, मांझा पीजिए मांझा। अरे कोका कोला पीला दो बलम बड़ी बढ़ोता गर्मी, सही है ना? तो दोस्तों हम लोग मस्ती कर रहे थे, और मतलब प्यारी सी मस्ती हमेशा करते रहते हैं, आप लोग प्यार दुलार देते हैं, अच्छा लगता है। दोस्तों आप लोगों से एक चीज और बताएंगे, हमारा जब महादेव भाई हमारे साथ में रहता है ना, रियल बता रहे, बहुत खुश रहते हैं, मस्ती करता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, कसम से बता कहते हैं ना, एगो शायरी है हमारा विष्णु भैया बहुत पहले से बोलता है, अरे यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, और दिल में हो कितना हो बड़ा दर्द मेरे दोस्त, मगर भरे महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। तो आप तो हाल अपना है, और आप सब कैसे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।